वेलकम टू माय चैनल स्नेहा की बातें और मैं हूँ स्नेहा। तो आज हम बनाएंगे मिलके दही वाले आलू। दही वाले आलू पसंद तो सभी को होते हैं, लेकिन अक्सर कई बार कुछ लोगों का दही है वो दही वाले आलू की सब्जी में फट जाता है। तो आज की आप मेरी रेसिपी देखिए और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपके भी दही वाले आलू बहुत ही टेस्टी बनेंगे और आपका जो दही है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दही वाले हमारे आलू हैं वो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और उनके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे ही हमारे घर में रेडीली अवेलेबल होते हैं। आज की जो हम सब्जी बनाएंगे इसमें हम प्याज, लहसुन या अदरक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये सब्जी फिर भी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें कि हमने बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद पील किया है और आलूओं को हमने थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून भुना हुआ बेसन, थोड़ा सा सिलेंट्रो, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। आलू जो मैंने लिए थे उसमें से मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए हैं और मैंने उन्हें हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर दिया है। आप अगर चाहें तो पूरे आलू भी मैश कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 बाउल ऑफ कर्ड। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि दही को आप हमेशा रूम टेम्परेचर पे लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि फ्रीज से डायरेक्टली निकाला और सब्जी बना दी। और सेकेंड थिंग ये कि अगर आपका दही खट्टा होगा तो सब्जी आपकी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। और इसके अलावा हमें चाहिए हमारे कुछ बेसिक से मसाले और कुकिंग ऑयल। तो बढ़ते हैं हमारी सब्जी के प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैंने 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 1 पिंच ऑफ हींग। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून राई। नेक्स्ट हमें हमारी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जीरा। एक बार इसे अच्छे से चलाएंगे। फिर हमें यहाँ पर ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी, तो हल्दी में 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम हल्दी यहाँ पर ऐड करूँगी। हल्दी को अच्छे से भून लेंगे। फिर हमें डालना है हमारे कटे हुए आलू। आलू डाल के एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब जो हमने आलू जो थोड़े से मैश करके रखे थे वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इन्हें भी हम मिक्स करेंगे। दही वाले आलू तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन कई बार या तो उनका दही फट जाता है या फिर उनके आलू अच्छे से सोते नहीं होते हैं, तो उनकी सब्जी में जो टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपको ये सब्जी बनाते बनाते साथ में इसको सब्जी को बनाने की टिप भी दूंगी, जिससे आपकी भी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, आलूओं को यहाँ पर हमें करीबन 2 से 3 मिनट तक सोते करना है। तो पहली टिप तो ये कि आलूओं को आप अच्छे से सोते करेंगे तो उनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। करीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब सॉल्ट को ऐड करने के बाद भी हमें आलूओं को अच्छे से भूनना है। कई बार ऐसा होता है कि हम आलू बस नमक मिला के छोड़ देते हैं और भूनते नहीं हैं। तो यहाँ पर मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप आलू में नमक डालें तो नमक को डालने के बाद भी आलूओं को 1 से 2 मिनट तक सोते करें, क्योंकि नमक का भी यहाँ पर कुक होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी दही वाली सब्जी बनाएं या आप किसी भी सब्जी में मलाई डालें तो हमेशा आप पहले अपने नमक को कुक करें। दही और नमक कभी भी साथ में नहीं डालें, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा दही होता है वो जल्दी से कर्डल हो जाता है या हमारी दही जो होती है वो फट जाती है। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान दें, गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर धीमी रखते हुए आलूओं को अच्छे से भूनना है। फिर हमें यहाँ पर डालनी है लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ और ये लाल मिर्च मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। मिर्च डालने के बाद भी फिर से एक बार आलूओं को मिक्स करेंगे। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें ओनियन, गार्लिक, जिंजर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमें सब्जी में ऐड करना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को डाल के बस हमें मिक्स करना है। इस तरह से कुल मिला के हमने हमारे आलूओं को करीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से सोते किया है। अब हमारा नमक भी पक गया है, हल्दी भी पक गई है। ये देखिए हमारे मसाले भी आलू में मिल चुके हैं।
अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी। तो पानी में यहाँ पर एक छोटी कटोरी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लिक्विड पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। तो ये सब्जी में मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये पानी। पानी ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिलाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी और ऐड किया है और अब हम सब्जी को एक बॉईल आने तक कुक करेंगे। जब तक हमारी सब्जी में उबाल आता है हम हमारा दही विस्क करके तैयार कर लेते हैं। तो दही जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था 3/4 बाउल थे। अगर मैं ग्राम में बात करूँ तो ये दही करीबन 200 ग्राम दही है। अब इसमें हम ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ बेसन लिया है। अच्छा एक बात आप याद रखिए कि बेसन आपको हमेशा भुना हुआ ही लेना है। तो यहाँ मैंने भुना हुआ बेसन लिया है और अब मैं इसे एक बलून विस्क की मदद से अच्छे से विस्क करूँगी ताकि जो हमारा बेसन है वो दही में अच्छे से मिल जाए और कोई लम्स ना रहे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसन मिला देने से ये होगा कि हमारा जो सब्जी है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो दही में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी दही में ऐड किया है और अब दही को हम फिर से अच्छे से विस्क करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपके घर में अगर कोई लेफ्ट ओवर छाछ पड़ी हो जो कि खट्टी हो गई हो तो वो भी आप इस सब्जी में डाल सकते हैं। देखिए हमारी सब्जी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और करीबन 2 मिनट वेट करेंगे और फिर जो हमारा दही का हमने मिश्रण तैयार किया है वो हम हमारी सब्जी में डालेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम हमारा दही हमारी सब्जी में पौर करते हैं। दही पौर भी हमें करना है तो हमें एकदम से नहीं करना है, हमें किनारों से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दही छोड़ना है और सब्जी हमारी उसमें मिक्स करना है। होप आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बार सारे हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और अब करीबन देखिए हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी है और करीबन 2 से 3 मिनट हम इस सब्जी को और कुक करेंगे। अगर आप मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रख के सब्जी को बनाएंगे तो आपके भी दही वाले आलू या खट्टे आलू कभी भी फटेंगे नहीं। देखिए हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया ऐड करेंगे। इस सब्जी को आप पूरी के साथ, पराठों के साथ या गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए। हमने सब्जी की प्लेटिंग कर दी है तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।